बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं आप देखना शुरू कर चुका है अंबेडकर पीपल्स वॉइस। समय हो चुका है सुपर फाइव का, यानी आज की पांच बड़ी खबरों का। दिन भर क्या कुछ खास रहा, वो पांच बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हम एक साथ आपके लिए लेकर आते हैं। आज के पांच बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती जी अखिलेश यादव ने गरीब मजदूरों के साथ हो रही बेबसी और लाचारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दूसरी बड़ी खबर की रुख करते हैं और आजमगढ़ के इसाकपुर बिछुआ गांव के अंदर लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को आठवीं बार तोड़ा गया है। तीसरी बड़ी खबर की रुख करते हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूटा गांव में दलित और पुलिस के बीच हुई आपसी झड़प के मामले को काफी ज्यादा जो है इस वक्त आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। चौथी बड़ी खबर की रुख करते हैं और बिहार के महमदपुर गांव के दलितों का आरोप है कि पुलिस ने उनको घरों में घुसकर पीटा। पांचवी बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि देश में 80,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 2649 हो चुकी है। तो ये आज के पांच बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली बड़ी खबर की रुख करते हैं और आपको बता दें कि गरीब मजदूर और बेबस इन लोगों को लगातार आप टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तकलीफ में, दर्द में, इनके वीडियोज लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों ही नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचा दीजिए, ज्यादा कुछ मत कीजिए लेकिन इनको घरों तक पहुंचा दीजिए ताकि ये पटरियों पर या सड़कों पर इस तरीके से लाचारी की मौत न मरे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि बहुत दुख होता है, वो दर्द होता है जब इस तरीके की मैं तस्वीरें देखती हूँ, इस तरीके के वीडियो देखती हूँ, तो ये सोच में समझ के आता है कि हदें जो है विदारक की इस तरीके की ये घटनाएं हैं, बहुत ही दर्द तकलीफ देती है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार पूंजीपतियों की है, सरकार को इस मामले में ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बड़ी खबर की रुख करते हैं, आपको बता दें कि आजमगढ़ के इसाकपुर के बेसवा गांव के अंतर्गत एक बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है और इस मूर्ति को आपको बता दें कि एक बार फिर से तोड़ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मूर्ति को कुल मिलाकर अब तक आठवीं बार तोड़ा गया है। यहाँ पर गौतम बुद्धा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को आठवीं बार तोड़ा गया है, लेकिन अभी तक एक बार भी आरोपी पकड़ में नहीं आए। तीसरे बड़ी खबर की रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूटा गांव के अंतर्गत आरोप है कि एक मामूली झगड़े को लेकर पुलिस छानबीन करने आई थी, उसी समय पुलिस ने दलित समाज के लोगों को पीटा। इस तरीके का दलित समाज के लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर इस समय इस घटना का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी के नेता, आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर जो कि MLC है, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर लिखा है कि उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बातचीत की है, उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर, चौथी बड़ी खबर की रुख करते हैं, आपको बता दें कि बिहार के महमूदपुर की है, जहां पर घटना आपको बता दें कि ये सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि दलित समाज जो है, जो कि महमूदपुर के महादलित जो टोला है उसके ऊपर रहता है, यहाँ पर आपको बता दें कि किसी घटना को लेकर पुलिस आई थी और पुलिस ने इनकी जो महादलित परिवार है उनको बुरी तरीके से पीटा। इस दौरान महिलाओं को भी बुरी तरीके से पीटा गया, जबकि पुलिस का कहना है कि वो किसी और मामले की छानबीन करने गई थी, इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस घटना के वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और आपको बता दें कि हमारी वेबसाइट www.bahujanbolega.com पर जाकर भी इस खबर को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। पांचवी बड़ी खबर की रुख करते हैं, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की अगर हम कहर की बात करें तो लॉकडाउन के इतने दिन होने के बाद भी लगातार जारी है। देश में कोरोना वायरस का कहर 80,000 के पार हो चुका है। देश में कुल मिलाकर इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 81,970 पहुंच गई है, जबकि आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस अपनी जान गंवाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 2649 हो चुकी है। तो ये आज की पांच बड़ी खबरें थी, कल मिलेंगे नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आप चले थे विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया।